सार्वजनिक वितरण प्रणाली का घोटाला उजागर, गरीबों का आधा करोड़ का राशन माफिया के गोदाम पर पकड़ा। पैकेट बनाकर बाजार में बेचा जाता था चावल। जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के लिए वितरण होने वाले गेहूं और चावल की हेराफेरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सरिया क्रांति सामाजिक संगठन द्वारा जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को इस घोटाले की पुख्ता जानकारी दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। कलेक्टर ने SDM शिवपुरी उमेश कौरव और तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में एक छापामार दल का गठन किया, जिसमें नीमडांडा स्थित एक वेयर हाउस पर छापा मारा गया। इस दौरान सहरिया क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे। मंगलवार की रात करीब 9 बजे इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने वेयर हाउस से बड़ी मात्रा में PDS का चावल और गेहूं जब्त किया है। इस गोदाम का मालिक PDS का चावल खरीदता था और उसे पॉलिश कर भारत ब्रांड के नाम से 10 किलो के पैकेट बनाकर 290 रुपए में बेचता था। उस छापेमारी के दौरान 1580 बैग भारत ब्रांड चावल के और 1150 क्विंटल गेहूं बरामद किया गया है। SDM उमेश कौरव ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए का माल मौके से बरामद किया गया है। इसके बाद वेयर हाउस को सील कर दिया गया और गोदाम मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। सूचना के आधार पर प्रशासन ने तत्काल SDM और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जब टीम मौके पर पहुंची तो यहां सायरन की आवाज सुनते ही एक ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। एक कार भी मौके से मिली जो गोदाम मालिक तायल की बताई जा रही है। टीम ने ट्रक क्रमांक MH1BG0925 को कब्जे में लिया है, जिसमें से 88 बैग भी मिले हैं जो चावल के बताए जा रहे हैं। इस छापेमारी के दौरान PDS के खाली रैपर भी जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग नए पैकेट बनाने में किया जा रहा था। कलेक्टर ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और मामले के विस्तृत जांच कराई जाए। जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहरिया क्रांति के इस प्रयास से जिले में भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ सशक्त संदेश गया है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराध पर रोक लगाई जा सके।